तो हम आपके बीच में बुलाना चाहते हैं अमिताभ कुमार दास जी को कि वह अपनी बात को रखें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, अरे बोल रहे भैया जय भीम, अच्छा संविधान जय भीम, अच्छा संविधान जय भीम, जय भारत जय भीम। जनाब उमर खान साहब, जनाब सतीश दास साहब, जनाब डॉक्टर ख्वाजा नूर साहब और यहाँ जो भी हैं ख्वातीन और हजरात, मुझे लग रहा है ख्वातीन ज्यादा हैं, हजरात कम हैं। जो भी हो, मैं आप सबको इंकलाबी सलाम करता हूं। आप लोगों ने पूरे गया जिले की इज्जत रख ली और दिल्ली में जो काम शाहीन बाग की शेरनियों ने किया, वो काम आपने गया के शांति बाग में कर दिखाया। और 52 दिन कम नहीं होते, लगभग 2 महीने कोई मुहिम चलाना आसान नहीं है। और आम लोगों के लिए, जिनके लिए दाल रोटी की जद्दोजहद भी है, उनके लिए 2 महीने तक एक तानाशाही के खिलाफ खड़े रहना आसान नहीं है। लेकिन आपने एक इंकलाबी माहौल पैदा कर दिया है, एक क्रांति की ज्योति पैदा कर दी है। मैं सोचता हूं कि इस आंदोलन के बाद शांति बाग को क्रांति बाग के नाम से जाना जाना चाहिए। साथियों, जैसा कि मेरे बारे में बताया गया, मेरा नाम अमिताभ कुमार दास है। मैं 24 बरस तक बिहार में आईपीएस ऑफिसर रहा और गया से तो कुछ जज्बाती रिश्ते हैं मेरे, भावनात्मक संबंध है, क्योंकि जब मैं आईपीएस बनकर बिहार में आया तो मेरी पहली पोस्टिंग गया जिले में हुई थी। शेरघाटी का मैं एएसपी था और अभी भी शेरघाटी की यादें मुझे है, मेरे पास वहाँ की अच्छी यादें हैं, वहाँ के सारे थानों के नाम याद हैं, कोठी के, डुमरिया के, बाके बाजार के, रोशनगंज के। मैं नया नया आया था और वहाँ अच्छी खासी आबादी है पठानों की, मुसलमानों की। उनसे जो मुझे मोहब्बत मिली, वो मोहब्बत आज भी मेरे दिल में है और उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। साथियों, एक आईपीएस अधिकारी के रूप में मैंने हर जगह ईमानदारी से काम किया और गुंडे मवालियों से लोहा लिया। मैं किशनगंज का एसपी था तब भी किया, अरवल में एसपी था वहां भी किया, बक्सर का एसपी था, लखीसराय का एसपी था, जहां भी कहीं था गुंडे मवालियों से ही मेरी टक्कर होती रही। और एक दिन ऐसा आया जब मेरी टक्कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुंडे मवाली से हो गई, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये सन 2012 की बात है, मुझे इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने गुजरात भेजा था इलेक्शन कमीशन को ऑब्जर्वर बना के, पर्यवेक्षक बना के। वहां मैं डांग जिले में था, मैंने देखा कि ये नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात का सीएम था, वजीर आला था, मैंने देखा कि किस तरह ये अकलियत पर जुल्म ढा रहा है, अल्पसंख्यकों को मरवा रहा है। मैंने इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया और उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी की हिट लिस्ट पर आ गया। और जब हिंदुस्तान में ये दोनों की सरकार बनी, जिसे मैं रंगा बिल्ला कहता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जैसे रंगा बिल्ला बहुत खूंखार अपराधी थे, हम जब बच्चे थे तो रंगा बिल्ला का नाम लोग सुनते थे, उसी तरह आज हिंदुस्तान में ये रंगा बिल्ला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन लोगों ने आज से 1.5 बरस पहले मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया, मेरी नौकरी छीन ली, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं जब तक हूं यहां, मैं ईमान की लड़ाई लड़ूंगा और इन रंगा बिल्ला से लोहा लेता रहूंगा। मेरी गर्दन भी काट देंगे तो मैं भूत बन के लड़ूंगा,
मैं इनको ख्वाबों में डराऊंगा। इसलिए ये नहीं समझना है मोदी जी कि आपने संजीव भट्ट को उम्र कैद करवा दिया, अमिताभ कुमार दास को रिटायर करवा दिया, तो आप जंग जीत चुके हैं। किसी मुगालते में नहीं रहना, किसी गफलत में रह नहीं रहना। किसी का अहंकार नहीं चला है दुनिया में। जब रावण का अहंकार नहीं चला तो ये नरेंद्र मोदी का क्या चलेगा। तो इसलिए मैं इनको ललकारने आया हूं, शांति बाग में आया हूं। दो दिन पहले मेरी सभा थी आरा में, भोजपुर में, मिल्की मोहल्ला में, वहां भी बहुत कामयाब सभा थी, बहुत लोग आए थे। उसके पहले मैं पटना में हारून नगर गया था, समनपुरा गया था। हर जगह मैं यही पैगाम देता आया हूं कि इन लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना है। साथियों, यहां हम आए हैं शहरियत कानून का विरोध करने। जो नागरिकता कानून है, शहरियत कानून, उसकी मुखालफत करने हम लोग यहां जमा हुए हैं। इतने दिनों में आपको पता चल गया होगा कि ये शहरियत कानून है क्या। फिर भी मुख्तसर में मैं आपको बता दूं कि ये काला कानून क्यों है। जो शहरियत कानून है, नागरिकता कानून है, इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के तीन पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां से जो गैर मुसलमान लोग, शरणार्थी लोग हिंदुस्तान आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब ये देखिए कितना काला कानून है। जब सारे इंसान का एक रंग का खून है, जब सारे लोग एक हैं, तो फिर आप मजहब के आधार पर ये भेदभाव करके रंगा बिल्ला ने सीधे सीधा इंसानियत पर चोट की है। ये हैवानियत का कानून है। ये कानून को इंसान नहीं बना सकता। ये कानून जिसने भी बनाया है, उसकी धमनियों में, उसकी रगों में हैवान का खून दौड़ रहा है। ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ये इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है, हैवानों का है। दूसरी बात, ये कानून जो है, ये हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ का कानून है। क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महापुरुष ने बनाया था, जिनकी मूर्ति लेकर मैं हर जगह जाता हूं, वो हिंदुस्तान का संविधान धर्म निरपेक्ष संविधान है, सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। उस धर्म निरपेक्ष संविधान में आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल असंवैधानिक कानून है। इसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, संविधान के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस काले कानून को चुनौती दी गई है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून को रद्द करके मोदी को उसकी औकात बता देगा। साथियों, ये इन लोगों की शातिर चाल देखिए, किस तरह से इनका शातिराना दिमाग काम करता है। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है बर्मा, जिसका नया नाम हो गया है म्यांमार। म्यांमार में बड़ी तादाद में रोहिंगा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। रोहिंगा मुसलमानों की बस्तियां जलाई गई हैं, रोहिंगा मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी गई है, और हजारों रोहिंगा मुसलमान भागकर हिंदुस्तान की सरहद में आए हैं। हम से उन लोगों ने पनाह ली है, लेकिन ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जान बूझ कर इस जोड़ी ने शहरियत कानून में बर्मा को पड़ोसी देशों की लिस्ट में शामिल नहीं किया। क्योंकि यदि किया होता तो हजारों हजार रोहिंगा मुसलमानों को देश की नागरिकता देनी होती। तो कितना बड़ा इनका, देखिए कितनी बड़ी शातिराना चाल है। ये अफगानिस्तान को हमारा पड़ोसी मुल्क बताते हैं। अफगानिस्तान का कहीं सरहद कहीं भी हिंदुस्तान से नहीं लगता है, आप भूगोल की किताब में देख लीजिएगा। लेकिन बर्मा का सरहद, बर्मा की सीमा हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। लेकिन रंगा बिल्ला की जोड़ी बर्मा को पड़ोसी देश नहीं मांग रही है, सिर्फ इसलिए कि रोहिंगा मुसलमानों के साथ जुल्मो सितम होता रहे। ये इनकी शातिराना चाल है, इस पर इनको शर्म आनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि ये रंगा बिल्ला की जोड़ी ने ये शहरियत कानून बनाया क्यों है। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह कि जो अंग्रेज लोग हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे, उनकी नीति थी डिवाइड एंड रूल की, फूट डालकर शासन करने की।
अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं मुसलमानों को आपस में लड़ाकर हुकूमत करते थे। ये जो रंगा बिल्ला है ये भी अंग्रेजों के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये भी फूट डालकर हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी कुर्सी सलामत रखना चाहते हैं। इनके जहन में ये बात है कि 80% आबादी हिंदुओं की है और हम हिंदू वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे तो मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कुर्सी तो चलती रहेगी। लेकिन मोदी जी, तुमको हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसने दी? कब तुम टेंडर खुला था और तुमको हिंदू धर्म की ठेकेदारी मिली? अरे जो नरेंद्र मोदी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो हिंदुस्तान का क्या होगा? ये अपने को हिंदू कहता है, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। हिंदू धर्म में विवाह को, शादी को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। दुल्हा और दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेते हैं आग को गवाह मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर कि हम 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। और ये जो है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, इसने जसोदा बेन को अपनी पत्नी को साथ फेरे लेने के बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका, पीएम हाउस में घुसने नहीं देता। ये कितने शर्म की बात है बताइए। और कहता है सबका साथ सबका विकास, है ना, लेकिन जसोदा बेन के साथ नाइंसाफी कर रहा है। आजकल ये दूसरा जो इन लोग की चाल है वो चाल है कि हिंदुस्तान के बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाए रखो, बुनियादी मुद्दों पर जनता की को चर्चा मत करने दो। इन लोगों ने 6 बरस में हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया है। महंगाई चरम पर है, मंदी चरम पर है, लोगों की नौकरियां जा रही है। आपने पार्ले जी बिस्किट का नाम सुना होगा, दुनिया की नंबर 1 बिस्किट कंपनी है बिक्री के मामले में। सिर्फ पार्ले जी में 10,000 लोगों की छटनी हुई है। आज हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक के 2-2 गवर्नर इस्तीफा देकर भाग गए कि हमसे नहीं चलेगा। पहले रघुराम रावण भाग गए, फिर उर्जित पटेल भाग गए, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे रिजर्व बैंक को खाली कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की यह हालत हो गई है कि बांग्लादेश की जो करेंसी है जिसको टका कहते हैं, वो टका भी हिंदुस्तान के रुपए से ज्यादा मजबूत है इंटरनेशनल मार्केट में। इस तरह की इन लोगों ने दुर्गति कर दी है हिंदुस्तान की। और ये मोदी वादा करता था कि 100 दिनों में देश का काला धन ले आऊंगा, हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। आज भी यहां आने के पहले मैंने अपना अकाउंट चेक किया, 15 पैसा नहीं आया है, किसी के अकाउंट में नहीं आया होगा। अब कहते हैं कि वो तो जुमलेबाजी थी। और काला धन आना तो दूर, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने काला धन लूट कर वो लोग इस देश को छोड़ दिया और ये नालायक प्राइम मिनिस्टर मुंह देखता रहा। विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपया लेकर हिंदुस्तान के बैंकों से चंपत हो गया। एक गरीब किसान एक बैल खरीदता है बैंक से लोन लेकर, और वो चुका नहीं पाता है लोन तो उसका बैल खोलकर बैंक वाले ले जाते हैं। और यहां विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया और नालायक प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर मुंह देखते रह गए। ये शर्म की बात है। इतना ही नहीं, उसके बाद नीरव मोदी भाग गया 12,000 करोड़ रुपया लूटकर। आप एक समझ सकते हैं गरीब मुल्क में 12,000 करोड़ क्या राशि है, कितने स्कूल बन जाते, अस्पताल बन जाते, सड़कें बिक जाती। नीरव मोदी भाग गया, उसका मामा था मेहुल चौकसी, वो 800 करोड़ रुपए लेकर चंपत। मेहुल चौकसी को नरेंद्र मोदी मेहुल भाई कहता था। ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री घोटाले वालों को भाई बना के घूम रहा है। इसी पर मुझे वो कहावत याद आती है, चोर चोर मसेरे भाई की। यदि मेहुल आपका भाई है तो आप मोदी जी क्या है? और आजकल ये रंगा बिल्ला जो है ये बिरयानी के पीछे पड़ा हुआ है। कहता है कि शाहीन बाग की औरतें तो बिरयानी के लालच में बैठी हुई हैं, है ना। कल कहेगा कि अमिताभ दास तो शांति बाग आया था बिरयानी खाने के लिए। अरे मुसलमान तो बस बिरयानी खा रहा है,
मोदी जी तुम तो पूरा हिंदुस्तान खा गए। एयर इंडिया खा गया मोदी, भारतीय रेल खा गया मोदी, BSNL खा गया, MTNL खा गया, LIC खा गया, सारे की सारी चीजों को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। यदि नरेंद्र मोदी का बस चले तो हिंदुस्तान की संसद को, पार्लियामेंट को बेच देगा, लोकसभा का नाम अंबानी सदन कर देगा, राज्यसभा का अडानी सदन कर देगा। यदि इसका बस चले तो ये मोदी की ने तरक्की की है कि जो पहले चाय बेचता था वो देश बेच रहा है, और हिंदुस्तान को बेचने वाले लोग, हिंदुस्तान को खाने वाले लोग बिरयानी खाने वालों पर मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मोदी जी, हम तो बिरयानी खाकर इंकलाब ला देंगे, तुम तो हिंदुस्तान को खाकर जेल पहुंच जाओगे। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इस नरेंद्र मोदी का एक गुरु हुआ करता था आसाराम बापू, पूरी दुनिया को झांसा देता था। मैंने आसाराम का नाम झांसाराम रखा था। आज वो झांसाराम बापू जोधपुर जेल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में, रेप के आरोप में उम्र कैद काट रहा है। तो गुरुजी अंदर हो चुके हैं, चेला जी का नंबर आने वाला है, जल्द ही ये भी जेल में जाकर अपने गुरु के पैर दबाने वाले हैं। इसलिए आप पूरी बुलंदी के साथ रहिए, डरने की बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की रिवायत है, गंगा जमनी तहजीब की रिवायत है, एकता हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की रिवायत है। मैं दरभंगा का रहने वाला हूं, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं शाहगंज मोहल्ला, वहां 90% आबादी मुसलमानों की है। मैं बचपन से उनके बीच बड़ा हुआ, उनकी प्यार मोहब्बत के बीच बड़ा हुआ, उनके बुजुर्गों से आशीर्वाद से बड़ा हुआ। मेरे पड़ोस में एक मस्जिद है, उस मस्जिद से जब सुबह में फजर की अजान होती थी तो मैं जगता था, मुझे सुबह सुबह जगने की आदत पड़ गई फजर की अजान से। जब मैं IPS बनकर ट्रेनिंग में गया तो बहुत कठिन ट्रेनिंग थी, सुबह सुबह हमें परेड ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था, बाकी लोगों को, बाकी जो नए नए IPS बने थे उनको तकलीफ होती थी, लेकिन मैं सुबह 4 बजे से उठा रहता था। वो पूछते थे कि क्या राज है, इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो। मैंने कहा कि तुम्हारे पड़ोस में भी कोई मस्जिद रहती तो तुम भी जल्दी उठने वाले हो जाते। तो ये हिंदुस्तान की रिवायत है, हमारी गंगा दमनी तहजीब है। एक गीत मैं बचपन में सुनता था, आपको सुनाता हूं, बहुत गहरी बात है, कि मंदिर में दाना चुकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मंदिर में दाना चुकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। ये हिंदुस्तान है। लेकिन जिस तरह बंदर को अदरक का स्वाद नहीं मालूम रहता है, उसी तरह नरेंद्र मोदी को गंगा गमनी तहजीब समझ में नहीं आती है। गंगे कराते कराते इसकी दाढ़ी सफेद हो गई है, लेकिन ये हिंदुस्तान की गंगा गमनी तहजीब है। हमने जंगे आजादी मिलकर लड़ी, जब 1857 में गदर हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर एक मुसलमान बादशाह को, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना था, सबने चुना था, हिंदू मुसलमान सबने चुना था। और बाद में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, उसके दो दो शहजादों के सर कलम कर दिए गए, उसको रंगून जेल बर्मा में भेज दिया गया, और वो बूढ़ा बादशाह हिंदुस्तान को याद करते करते मरा, अपने मादरे वतन को याद करते करते मरा। वो लिखता रहा जेल में कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। तो ये हिंदुस्तान की तहजीब है। और जब सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने बर्मा पर कब्जा किया जापानियों से मिलकर, तो सुभाष बाबू ने रंगून में बहादुर शाह जफर की मजार पर रैली की और दिल्ली चलो का नारा दिया। ये हिंदुस्तान की तहजीब है। हम लोग एक साथ हजारों बरस से रह रहे हैं, कोई 6 महीना साल भर की ये बात नहीं है कि मुसलमान यहां आके टपक गए हैं कहीं से। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था
कि ये अवरुद्ध गंगा वो दिन है याद हमको, ए अवरुद्ध गंगा वो दिन है याद हमको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और ये हजारों बरस पहले की बात है, इसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये रंगा बिल्ला नहीं खत्म कर सकते। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ, अपना तजुर्बा बताता हूँ। मैं जब IPS बना तो ट्रेनिंग के लिए हमें कश्मीर भेजा गया। आजकल ये रंगा बिल्ला की जोड़ी कश्मीर को बदनाम कर रही है, सारे कश्मीरी लगता है इनकी नजर में आतंकवादी है। मुझे अमरनाथ यात्रा में हमारी ड्यूटी थी, आप जानते हैं कि अमरनाथ में एक पवित्र गुफा है, उस गुफा में बर्फ का शिवलिंग बन जाता है जिसको हिंदू लोग बर्फानी बाबा कहते हैं, और हर साल लाखों हिंदू जाते हैं अमरनाथ यात्रा में। लेकिन कम लोगों को मालूम है कि उस गुफा की खोज एक मुसलमान गरेड़िया ने की थी। कई सौ साल पहले वो मुसलमान गरेड़िया अपनी भेड़ बकरी चराते हुए ऊपर चला गया और उसने गुफा में देखा कि बर्फ के बर्फानी बाबा बने हुए हैं, उसने खबर दी नीचे आकर। और आज भी कई सौ साल बाद भी अमरनाथ की गुफा में जितना चढ़ावा चढ़ता है, जितने पैसे इकट्ठे होते हैं, उसका एक चौथाई हिस्सा उस मुसलमान गरेड़िए के परिवार को जाता है। ये हिंदुस्तान की रिवायत है। ये मैंने आप देखी चीज आपको बताता हूं, ये 96 की बात है। मैं था अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में, बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ गया और उस तूफान के बाद झेलम नदी में सैलाब आ गया। झेलम नदी के सैलाब से छोटा सा शहर है पहलगाम, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, उस पहलगाम शहर का संपर्क श्रीनगर से टूट गया और हजारों हिंदू औरतें बच्चे बूढ़े उस एक छोटे पहलगाम शहर में फंस गए थे। ये मेरी आंखों की देखी चीज है। और मैंने देखा कि पहलगाम के कश्मीरी मुसलमानों ने तमाम मस्जिदों को खोल दिया था उन हिंदू औरतों के लिए, बच्चों के लिए। ये हिंदुस्तान की रिवायत है, किसकी बात कीजिएगा। ये हमारी आभार शाहीन बाग की शेरनिया बैठी हुई है, रंगा बिल्ला की जोड़ी ने उनको धमकाने की कितनी कोशिशें की है ना, लेकिन वहां हिंदू पहुंच गए, मुसलमानों के साथ सरदार पहुंच गए, सरदारों का जत्था पंजाब से आ गया, वो लंगर चलाने लगे, मुफ्त में खाना खिलाने लगे, और वहां की जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको देखकर रंगा बिल्ला के होश उड़ गए। दिल्ली के चुनाव में इन लोगों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर ली। ये जो तड़ी पार है, ये कहता था कि इतना जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लग जाए। ये हिंदुस्तान का तड़ी पार होम मिनिस्टर बोलता था। तो दिल्ली की आवाम ने बटन भी दबाया, करंट भी लगा, लेकिन शाहीन बाग को नहीं लगा। करंट लग गया तड़ी पार को, लग गया नरेंद्र मोदी को, लग गया इनके मिनिस्टर लोग गुंडों की भाषा बोल रहे थे। एक कोई अनुराग ठाकुर है, वित्त राज्य मंत्री है, जब बजट पेश करने का समय था, जब उनका काम बजट बनाना था, वो भारत सरकार का मंत्री सड़क छाप गुंडे की भाषा बोल रहा था, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। और हमारा नालायक प्रधानमंत्री अपनी जबान पर अलीगढ़ का ताला लटकाए बैठा था। एक बार इसने अनुराग ठाकुर को न फटकार लगाई, न उसका इस्तीफा मांगा, न उसकी मरम्मत की। इसका यह मतलब हुआ कि अनुराग ठाकुर जो भी बोल रहा था या भौंक रहा था, वो नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बोल रहा था। तो दिल्ली के चुनाव ने रंगा बिल्ला की जोड़ी को उनकी औकात बता दी है। तो उसको आप, ये बिहार में हम लोग हैं तो थोड़ी चर्चा पलटू राम की भी हो जाए। जो हमारे बिहार के वतीरे आला हैं, सुशासन बाबू अंतरात्मा वाले, जिनकी अंतरात्मा जब बीजेपी के साथ जाना था लालू को छोड़ के, तो रात 12 बजे जग गई थी अंतरात्मा, बोल रहे थे मेरी अंतरात्मा जग गई है, अंतरात्मा जग गई है। आज पलटू राम की अंतरात्मा सो रही है। क्यों सो रही है? क्योंकि ये सृजन घोटाला में जेल जाएगा। सृजन घोटाला 2000 करोड़ का हुआ है, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें नीतीश कुमार जेल जा सकता है। उसी जेल भेजने का डर दिखा के, CBI का डर दिखाकर
ये तड़ी पार उसको अपना पिछलग्गू बनाए हुए है। और सीएए के मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी ने, जेडीयू ने संसद में जाकर बीजेपी के साथ मतदान किया, ये कितने शर्म की बात है। अभी आपकी अंतरात्मा नहीं जग रही है, जब बिहार के लाखों मुसलमान और हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के वजूद पर हमला किया जा रहा है, तब इनकी अंतरात्मा नहीं जग रही है। तो पलटू राम को भी नवंबर में पलट ही देना है, कुछ ऐसा इंतजाम करना है कि इनका बोरिया भी बिस्तर बन जाए, बोरिया बिस्तर और नालंदा पहुंच जाए। साथियों, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी थी। अभी गिरिराज सिंह की मन से कोई चर्चा हो रही थी, ये गिरिराज सिंह तो पुराना लंपट आदमी है। मैं मानवाधिकार आयोग में था, बिहार मानवाधिकार आयोग में, मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी कि ये रणवीर सेना का एजेंट है, आतंकवादी रणवीर सेना का एजेंट है। ये रिपोर्ट मैंने स्पेशल ब्रांच को भेजी थी, बिहार के खुफिया विभाग को भेजी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजी थी। तो ये तो रणवीर सेना का एजेंट है, दहशत गर्दों के साथ रहता है। परमेश्वर मुखिया को गांधीवादी कहता था, और आज जब कोई छोटा मुस्लिम बच्चा ठंड से ठिठुर के मर जाता है तो कहता है कि मानव बम था। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए गिरिराज, तुम मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं हो, तुम्हारे जैसे लोगों की जगह तो जेल के भीतर है। तो इस चीज को याद रखिए कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी रिवायत जो है वो बहुत मजबूत है, गांधी जी ने हमें यही सिखाया था, और आज उसके इम्तहान का वक्त आ गया है। आज पूरी दुनिया शाहीन बाग की ओर देख रही है और इस आंदोलन पर नजर है, पूरी दुनिया खड़ी है, क्योंकि बस मुसलमानों की जंग नहीं है, ये संविधान बचाने की जंग है, ये हिंदुस्तान की आत्मा की जंग है, और ये सबको मिलके लड़नी होगी। आपको मालूम होगा कि जापान के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर हिंदुस्तान का दौरा रद्द कर दिया। यूरोपियन संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसमें पूरे यूरोप से एमपी चुनकर आते हैं, उसने शहरियत कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी, ये तो नटवर लाल का परदादा है। अभी देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप आने वाला है अहमदाबाद, तो वहां गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां नहीं दिख जाए ट्रंप को, इसलिए वहां दीवारें खड़ी की जा रही है। इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा नटवर लाल प्रधानमंत्री आपने देखा था कभी? तो ये मैं कहने आया हूं कि शहरियत कानून वापस लेना रह होगा। ये कितना भी डायलॉग मार ले कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, एक सेंटीमीटर पीछे नहीं हटेंगे, इससे नहीं होने वाला। आपको याद होगा कि इसी नरेंद्र मोदी ने 3-4 साल पहले मैगी के नूडल्स पर बैन कर दिया था कि इसमें कुछ नुकसानदेह चीजें हैं, है ना। मैगी वालों ने अदालती लड़ाई लड़ी, अदालती जंग लड़ी, और जंग जीतकर मैगी का नूडल्स मार्केट में वापस आ गया। तो जिस मोदी की औकात नूडल्स पर बैन करने की नहीं है, वो मुसलमानों पर बैन कर दे। और इसको तो औकात में रहना चाहिए, और हम लोग इसको औकात बताएंगे। तो करना सबसे पहले क्या है, मैं आपको बताने आया हूं, और हम लोग को करना क्या है। अप्रैल या मई के महीने में ये लोग शुरू करेंगे एनपीआर का काम, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में सरकारी मुलाजिम आपके घर आएंगे, आपसे पूछेंगे कि अबू का नाम क्या है, अम्मी का नाम क्या है, खाला कौन है, आपा कौन है, फूफी कौन है। उनसे कोई बदतमीजी नहीं करनी, उनको इज्जत के साथ बैठाना है, बेचारा गरीब मुलाजिम है, अपनी नौकरी कर रहा, उनसे थकला मुक्की नहीं करनी है ना, क्योंकि एक बार आप हिंसा कर दीजिएगा तो यह आंदोलन बदनाम हो जाएगा। बिल्कुल अहिंसक रहना है, लेकिन एनपीआर का बहिष्कार करना है, टोटल बायकॉट, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाना है, एनपीआर का पूरा बहिष्कार होगा। और हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मुहिम चला रहे हैं कि एनपीआर का हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो साथियों, शांति बाग में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फिर आता रहूंगा। और 27 फरवरी को, ही आने वाला जो 27 फरवरी है, पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है, इसी के खिलाफ, शहरियत कानून के खिलाफ,
मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 27 फरवरी की रैली में पटना के गांधी मैदान में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग शिरकत कीजिए, जिससे इनको मुंहतोड़ जवाब मिले उसमें आप आइएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और भी बहुत बातें करनी थी लेकिन बाकी भी वक्त आएंगे, मुझे भी पटना लौटना है, तो यहाँ कुछ शेर व शायरी के भी कदरदान लगता है, तो बात को मैं एक शेर से खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मोहब्बत के शोले भड़कने लगे हैं, मोहब्बत के शोले भड़कने लगे हैं, सियासत से कह दो कि दामन संभाले। संजीव भट्ट, जिंदाबाद, जय हिंद। साथियों, यहां हम लोग इकट्ठा हुए हैं हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां मैं अपनी सभा का अंत हिंदुस्तान के राष्ट्रगान से करता हूं, कौमी तराना से करता हूं, जनगण मन से। आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके पिया अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मैं जनगण मन गाऊंगा हिंदुस्तान का जो कौमी तराना है, और आप लोग सब मेरे साथ जनगण मन गाएंगे और इतनी पुरजोर आवाज में गाएंगे कि दिल्ली में बैठे रंगा बिल्ला को भी सुनाई दे कि गया के शांति बाग में लोग कौमी तराना गा रहे हैं, जो ना हिंदू का तराना है ना मुसलमान का तराना है, पूरे हिंदुस्तान का तराना है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, आप मेरे साथ गाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ सर, आपके लिए एक ही लाइन हम बोल सकते हैं कि तपाते लौह को जब पीटते तलवार बनता है, रगड़ते पत्थरों पे तब कहीं जाधार बनता है, और तीसरा के लौह में जो वेदना उबाल लेती है, गगन को भेदने वाला वही